हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के राठी ऑनलाइन क्लासेस। आज 18 नवंबर से मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू शुरू कर रहा हूं। इससे पहले तक जितनी मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो सारा का सारा विदाउट क्वेश्चंस था, तो आज से नई शुरुआत कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है मालदीव के बारे में, मालदीव के नए राष्ट्रपति का नाम। तो राष्ट्रपतियों के जहाँ मैंने नाम दे रखे हैं उसमें आंसर आएगा मोहम्मद सोलह। और जैसे आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मोहम्मद सोलह के साथ में हाथ मिलाते हुए, तो अभी राष्ट्रपति पद के जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया मालदीव में, तो केवल मोदी जी ही राष्ट्र अध्यक्ष थे, किसी अन्य देश के जिन्हें आमंत्रित किया गया। और इसके पीछे कारण कुछ हद तक वहां की घरेलू राजनीति का ये रहा कि अभी तक जो वहां पर राष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद यमीन, और मोहम्मद यमीन का रुख चीन की ओर काफी ज्यादा था और भारत के साथ संबंध लगातार बिगड़ते गए। यहाँ तक कि जो भारतीय वहां पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनके वीजा को आगे बढ़ाने को मना किया गया। इसके अलावा भारत ने जो उपहार में एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर उन्हें प्रदान किया था उपहार स्वरूप, वो भी उन्होंने वापस करने का निर्णय लिया। तो संबंध बद से बदतर होते गए। और हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन आया, और संभवतः भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अभी आप मालदीव को वर्ल्ड मैप के ऊपर देखिए, यहाँ पे मैप पे देखिए आप, ये दिखाया गया मालदीव, यहाँ पर है मालदीव और यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप है ऊपर की तरफ। तो ये भारत के पड़ोसी देश है और 8 डिग्री अक्षांश लेटिट्यूड भारत को और इनसे अलग करने का काम करता है। इसकी सामरिक दृष्टि इसलिए देखिए कि यहाँ पर जैसे ये चाइना है, तो चीन के लिए इस हिस्से के अंदर जो रास्ते हैं वो एक तो उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए पट्टे पर और लीज पे ले लिया है। उसके बाद अगर ये यहाँ भी पैठ बनाता है मालदीव के अंदर, तो हमारे लिए और हिंद महासागर के अंदर चीन की उपस्थिति हम इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि चीन की जो रुख रहा है अभी तक, उस रुख में उन्होंने हमेशा भारत विरोधी कार्य ही करा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि श्रीलंका, मालदीव और इधर की तरफ और चलेंगे हम, तो यहाँ पर सेशेल्स, ये आ गया सेशेल्स, और बाकी जितने भी देश हैं उनके साथ मॉरिशस, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर मॉरिशस, यहाँ पर सेशेल्स, तो ये सारे देश जो है हम चाहेंगे हिंद महासागर में हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, ताकि चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों पर हम नजर रख सके। अब दूसरी न्यूज पे देखते हैं। दूसरी न्यूज में है कौन से देश में हाल ही में कर्मचारियों के हड़ताल के चलते हुए उस देश के ने घोषणा करी है कि कोई भी उनके यहाँ डाक से किसी प्रकार का कोई सामान ना भेजे, ना पत्र भेजे ना सामान। क्यों? यह है कनाडा के अंदर। कनाडा में हाल ही के अंदर लंबे कर्मचारियों ने बेहतर वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए वहां हड़ताल कर दिया है, जिसकी वजह से कनाडा में डाक विभाग पूरी तरह ठप है। यहां मैंने एक चीज और दे दी, तो इसका आंसर हमारा हो गया कनाडा। और ये पॉइंट और मैंने दे दिए, यहाँ पर दे दिया विश्व का सबसे बड़ा जो डाक नेटवर्क है वो भारतवर्ष में ही है, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो डाकघर है वो है हिक्किम, ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। ये जिले जो है भारत के, ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है जहां पर कई दिनों तक, 6-6, 7-7 दिनों तक न्यूज़पेपर और दूसरी सामग्री भी नहीं पहुंचती, वहां पर ही देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये डाकघर है, देश का ही नहीं विश्व का। अब कनाडा को देख लेते हैं मैप के ऊपर। यहाँ मैप पे देखिए, ये मैप है, इसमें ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है कनाडा और नीचे की तरफ है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ कनाडा के बारे में एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो, और इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है यहाँ पर देखिए ओटावा, यहाँ पर दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है यहाँ पर देखिए 49 डिग्री
पैरेलल या 49 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के ऊपर उसे समझने के लिए खींची गई है। जैसे एक ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर मैं ये लाइन खींच दूं इस तरीके की, तो इन लाइनों को कहते हैं लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं। और ऐसी ही एक अक्षांश रेखा जो है 49 डिग्री कनाडा और यूएसए के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में सिंगापुर में माइक पेंस से मुलाकात करी, ये कौन है? ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। अमेरिका के अंदर जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सारी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती हैं। परंतु वहां पर एक प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले हटा दिया जाता है महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा, तो ऐसे में बचे हुए समय के लिए वहां के उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। यदि भारत से हम तुलना करें तो भारत में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकता है, उसके बाद उस दौरान चुनाव होकर नए राष्ट्रपति का चयन जरूर होना चाहिए। लेकिन यूएसए के अंदर ये प्रावधान है कि वहां पर बचे हुए समय के लिए वो रहेंगे। अब जरा सिंगापुर को भी देख लेते, यहाँ पर सिंगापुर को देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर सिंगापुर है। मलेशिया के दक्षिण में जब आप जाएंगे, और भारत से स्थिति क्या होगी, भारत के पूरब में स्थित है। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया सिंगापुर। ये जो जगह पड़ती है भौगोलिक दृष्टि से, ये इसे कहते हैं मलक्का स्टेट। ये भी एक जो जलदस्यु है उनसे प्रभावित क्षेत्र है, सी पायरेट्स, ये भी काफ़ी इस मामले में जोखिम भरा क्षेत्र है। और इसीलिए भारत की जो स्थिति है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, आप देखिए यहाँ पर दे रखे हैं अंडमान निकोबार, तो हमारी स्थिति जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ने मिलकर 4 देशों का एक समूह भी बनाया है, जो और भारत ने यहाँ पर नौसैनिक बेस भी स्थापित किया है, ताकि ये जो जहाज है जो इस क्षेत्र से आते जाते हैं उन जहाजों को सुरक्षा भी प्रदान की जा सके। अगली न्यूज है कि भारत ने विश्व के एक सबसे उन्नत नौसैनिक हेलीकॉप्टर रोमियो खरीदने का निर्णय लिया है। ये किस देश से लिया है? तो जो सिंगापुर में माइक पेंस से मुलाकात हुई थी उसी दौरान ये भी निर्णय हुआ कि भारत यूएसए से ये उन्नत हेलीकॉप्टर खरीदेगा। अगली न्यूज आ गई गाजा तूफान के बारे में। गाजा तूफान ने हाल ही में हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर ये तूफान आया हुआ है, और सबसे ज्यादा जो राज्य प्रभावित है तमिलनाडु। आज भी अखबार उठा के आप देखेंगे 18 नवंबर का, तो पाएंगे 30 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। ये जानकारी वहां के मुख्यमंत्री श्री पलानी स्वामी ने उपलब्ध कराई है। तो जरा इनकी स्थिति और देख लेते हैं मैप के ऊपर। यहाँ मैप के ऊपर देखिए, मैंने आप लोगों को 10 से लेकर और 16 तक की जो न्यूज उपलब्ध कराई हुई है उसमें मैप दिया हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी है, और ये व्हाइट कलर से जो दिखा रखा है ये चक्रवात है गाजा नाम से। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर ये चक्रवात उत्पन्न हुए, और यहाँ भी ये भी ध्यान रखिए कि भौगोलिक दृष्टि से जो ये सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में जो जल है उसका तापमान बढ़ जाता है, जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी में। तो इनके तापमान बढ़ने पर, क्योंकि सर्दियों में जमीन जल्दी ठंडी होती है और पानी गर्म हो जाती है, गर्म होता है तुलनात्मक, इसीलिए जब हवाएं इनके ऊपर से बहती है तो जलवाष्प प्राप्त होता है, जिसके कारण चक्रवात। तो चक्रवात जो होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब हो गया, जैसे यहाँ नक्शा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो 15 डिग्री से और 25 डिग्री तक का क्षेत्र है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, या इसे कहते हैं ट्रॉपिकल। तो ये जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा सर्दियों के मौसम में बनेंगे और जल के ऊपर ही बनेंगे, और इनका हमेशा इस क्षेत्र में हमारा जो पूर्वी तट है ये हमेशा प्रभावित होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड्स जिन्हें कहते हैं, ये 12 महीने इस दिशा में बहती है। तो इसलिए जो चक्रवात इस जगह पर बनेंगे वो चक्रवात भारत के पूर्वी तट को ही
यहां पर ही हमला करते हैं। अगली जो न्यूज है वो है एपेक संगठन के बारे में, यहां पर दे रखा है मैंने एपेक, इंग्लिश में भी दे रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एपेक क्या है? एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है जिसके स्थापना हुई थी 1989 में। इस संगठन के अंदर 11 सदस्य हैं और सारे देश वो हैं जो प्रशांत महासागर से जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं। फिर मैप के ऊपर आप देखिए, यहां पर आप मैप में देखिए ये हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष से जब हम पूर्व की ओर चलेंगे यानी कि इस ओर चलेंगे तो देखिए ये जो महासागर है ये लिखा है प्रशांत महासागर नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो इससे सटे हुए जो देश हैं जैसे यहाँ पर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इधर की तरफ हम चलेंगे तो कनाडा, यूएसए और देश इधर की तरफ ये चिली, पेरू, ये सारे। तो कुल मिलाकर प्रशांत महासागर से सटे हुए 21 देशों का आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए 1989 में ये संगठन गठित किया गया था। इसकी हाल ही में जो बैठक आयोजित हुई है अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ क्योंकि वो आंसर मैं इसके बाद बता दूंगा, अभी मैप में आपको दिखाई रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक देश पड़ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, और इसके ऊपर एक देश है जिसका नाम है पपाया न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। इसी के अंदर इस बार की एपेक सम्मेलन के बैठक का आयोजन किया गया। और ये जो पपाया न्यू गिनी है ये द्वीप जो है इसे कहते हैं गिनी द्वीप। तो ये भी विश्व के विशाल द्वीपों के अंदर जब हम ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और गिनी की बात करते हैं तो ये बड़े द्वीपों के अंदर इसका भी स्थान आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोर्ट, ये देखिए तीसरे नंबर का पोर्ट मोरेस्बो, जरूर देख लीजिएगा आप, मैप के ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया। अगली जो न्यूज है हमारी वो न्यूज है, हम नीचे की तरफ यहां देखिए कि वह हमारे हसमुख अधिया जो हैं ये वित्त सचिव हैं भारत के, लेकिन इनका कार्यकाल 30 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है। तो नए वित्त सचिव के रूप में जिसकी नियुक्ति है वो कौन है? वह उनका नाम है, ये यहाँ पर मैंने दे भी रखा है, ये है अजय भूषण पांडे, ये वर्तमान में नए वित्त सचिव। वित्त सचिव का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे डीपी कांस्टेबल 2017 में आ गया, एक रुपए का जो नोट है उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज है H4 वीजा के बारे में। H4 वीजा के बारे में है कि अभी ब्रिटेन, अमेरिका की संसद के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये प्रयास कर रहे हैं कि H4 वीजा जो है उसको उसे प्रतिबंधित किया जाए, और H4 वीजा सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा भारतीयों को आवंटित किए जाते हैं। ये H4 वीजा ये है कि पहले तो H1 वीजा देख लीजिए, H1 वीजा जो है उन भारतीयों को प्रदान किया जाता है जो अमेरिकन कंपनियों में नौकरी के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को उसके बाद H4 वीजा प्रदान किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपने परिवार के सदस्यों को, जैसे पत्नी हो तो अपनी पति को या पति है तो पत्नी को या अपने परिवार के निकटतम व्यक्ति को वो वहां पर बुला सकते हैं। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णय लिया ले रहे हैं कि H4 वीजा बंद किया जाए। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा यह होगा पहला वाला, सेकेंड वाला। ये वीजा H1 वीजा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी के लिए। तो ये वीजा क्या होता है? वीजा वो डॉक्यूमेंट होता है या वो दस्तावेज होता है जिसकी मदद से हम विदेश जाते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिका जाना चाहता है तो अमेरिका जाने के लिए वो अपना पासपोर्ट बनवाएगा, और पासपोर्ट बनवाकर वो दिल्ली में चाणक्यपुरी में जाएगा जहां सभी देशों के दूतावास या एम्बेसी है। चाणक्यपुरी में जाने के बाद अमेरिकन दूतावास की जब उसे अनुमति मिलेगी, वो अनुमति उसके पासपोर्ट पर पीछे कागज का एक मोहर लगेगी, उस कागज को या उस मोहर को कहते हैं वीजा। यही वीजा वो दस्तावेज है जिसके दिखाकर वो अमेरिकन एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे तो वही देखकर अमेरिकन अधिकारी उन्हें अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट हो गया, हाल ही में किन दो देशों की सेनाओं ने एक युद्ध अभ्यास किया है जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सचेंज। ये जो है डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, तो आपदाओं से निपटने के लिए जैसे भूकंप है, बाढ़ है, तो वर्तमान के अंदर जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन नकारात्मक रूप में जा रहा है तो सभी देशों के अंदर ये आपदाएं आ रही हैं, तो इनको इन पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे की जो समझ है उसे बांटने के लिए चीन और यूएसए ने मिलकर ये युद्ध अभ्यास किया है। तो यहां आंसर जो आएगा वो आएगा चीन और यूएसए। अगला पॉइंट आ गया कुलदीप सिंह चांदपुरी के बारे में। ये कौन है कुलदीप सिंह चांदपुरी? हमने फिल्म देखी थी बॉर्डर, एक सनी देओल की एक फिल्म थी, उस फिल्म में सनी देओल ने जिस कैरेक्टर को या जिस चरित्र को निभाया था वही चरित्र जो है वो कुलदीप सिंह चांदपुरी है। 1971 में भारत और पाकिस्तान की युद्ध में जो लोंगेवाला पे युद्ध हुआ था, जो पश्चिमी बॉर्डर पे युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत वीरता के साथ कुछ कम सैनिकों की मदद से ही भारतीय अधिकारी कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तान की एक बड़ी ब्रिगेड को सामना किया था, उसी नायक की हाल ही में मृत्यु हुई है। तो हमारा आंसर जो इसमें होगा वो सेकंड वाला होगा, 1971 की लोंगोवाला की लड़ाई के नायक। उसके बाद दे दिया आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत के बारे में मैंने आपको 10 से 16 तक की जो न्यूज पीडीएफ उपलब्ध कराई है उसमें इसका जिक्र है। तो आयुष्मान भारत को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, इसे मोदी केयर भी कहा जाता है। इसी आयुष्मान भारत के जो सीईओ है वो बनाए गए हैं इंदु भूषण, या आईएएस अधिकारी हैं। और चूंकि इस योजना पर केंद्र सरकार ने काफी बड़े दावे भी किए हैं और विश्व भर के अंदर इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के रूप में भी प्रचारित किया जा रहा है, तो इनके पद पर नियुक्ति, ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो है करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला मैंने जो न्यूज दे दी, ये मैंने आपको 10 से 16 तक की जो न्यूज कराई थी उससे जुड़ी हुई दे दी। एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण के प्रावधान है हमारे संविधान में वो कौन से अनुच्छेद में है? एसएससी का क्वेश्चन है अनुच्छेद 335। तो कुछ मैंने पारंपरिक भी दे दिए इसके अंदर क्वेश्चंस, जरूरी नहीं करंट अफेयर्स में, क्योंकि अभी जो मैंने आपको न्यूज कराई थी करंट अफेयर से ऐसे जुड़ा हुआ है कि उसमें कहा गया था आरक्षण जो है वो केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति का जन्म उस राज्य में हुआ हो। तो राज्य की जो सेवाएं हैं उसके लिए कोई भी व्यक्ति आरक्षित वर्ग में जब माना जाएगा जब वो उस समुदाय में उसी राज्य में उसका जन्म हुआ हो। तो अनुच्छेद 335 में आरक्षण दिया गया है एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए जो आरक्षण है उसके लिए आर्टिकल या अनुच्छेद है 16(4). फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। 2018 में फीफा महिला विश्व कप अंडर-20 का आयोजन किया गया था, यह भी फ्रांस में ही आयोजित किया गया। आखिरी न्यूज है कि ये जो पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन है 2018, ये आयोजित किया जाएगा हमारे भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य के अंदर। और यहाँ पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्व कप के दौरान ये जानकारी जब मांगी गई कि भारत में क्या हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा है, तो आप सभी लोगों का आश्चर्य होगा जैसे मुझे हुआ था कि सूचना के अधिकार से भारत सरकार ने जो जानकारी दी उसमें ये बताया गया कि किसी भी खेल को ये राष्ट्रीय खेल का दर्जा हमारे यहाँ प्राप्त नहीं है। आज की सारी न्यूज जो है एक दिन की मैंने जो कराई है वो कंप्लीट हुई। और आप लोग मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया, टेलीग्राम ग्रुप भी है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप का नंबर मैं आपको कुछ समय के बाद दूंगा। फिलहाल आप इस पे 9758702006 इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको वहां से उपलब्ध होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर आपने ये इस लेक्चर को या इस एमसीक्यू को सुना, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को संबोधित कर सकूं।